सो गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर टेक्निकल इसी चैनल पर। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर सकते हो, यानी परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा मैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। तो गाइस, ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स दिख रही होगी, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको क्या करना है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है। अब आपको गाइस क्या करना है, डीएक्टिवेशन और डिलीशन पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं, अगर आपको टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डीएक्टिवेशन अकाउंट पर क्लिक करना है। और अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंटली। सो हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो हमें इसे परमानेंटली डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर रीज़न सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई हैव प्राइवेसी कंसर्न। अब मैं इसे कंटिन्यू करना है, फिर एक बार और कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, परमानेंटली डिलीट अकाउंट यहाँ पर ऑप्शन आ गया है और आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है, जो भी इस अकाउंट का पासवर्ड था वो आपको डाल लेना है। तो गाइस यहाँ पर पासवर्ड मैंने डाल लिया है, अब इसे मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर आपको यहाँ पर एक और रीज़न सिलेक्ट कर लेना है, आई हैव प्राइवेसी कंसर्न पर मैं क्लिक करूँगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस आपको ये पेज ओपन होगा और वापस स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको ये पेज ओपन होगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू यूजिंग मैसेजर पर क्लिक करना है और डीएक्टिवेट माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, पूरी तरह से हट चुका है, वो सर्च करने पर भी हमें नहीं मिलेगा। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइस।